नमस्कार, मैं सोच कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप बिना बैंक अकाउंट का यूपीआई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है या फिर कुछ अगर बैंक अकाउंट है फिर भी आप बिना बैंक अकाउंट का यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो बिना बैंक अकाउंट का भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं। लिंक करने के बाद आपका जो यूपीआई पिन होता है वो ऑलरेडी वहाँ पर सेट होता है या फिर आप यूपीआई पिन सेट करते हैं, एक नया यूपीआई पिन बनाते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीआई यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप किसी को भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर कर पाते हैं, चाहे किसी को आप यहां पे क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर यूपीआई आईडी नंबर पर या फिर बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जो आपका रुपए क्रेडिट कार्ड है, तो जैसे आपका जो मोबाइल नंबर जिस रुपए क्रेडिट कार्ड में है वो मोबाइल नंबर से आप फोन पे में लॉग इन करेंगे और वहां पे जाकर के यहां पे लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड में क्लिक करके आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसे आप लिंक करेंगे। और जैसे आप बैंक अकाउंट का पिन यूपीआई पिन सेट करते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड का यूपीआई पिन, एक नया यूपीआई पिन सेट करके आप किसी को भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट फोनपे में लिंक होना चाहिए। अगर किसी भी बैंक का आपके पास रुपये क्रेडिट कार्ड है तो आप किसी भी यूपीआई ऐप में जा करके अपना जो है कि क्रेडिट कार्ड को लिंक करके वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूपीआई पिन सेट करके जैसे आप नॉर्मली किसी को पेमेंट करते हैं स्कैन करके या फिर किसी को, तो आप पेमेंट कर पाएंगे अपने डायरेक्ट जो है यूपीआई के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। वहां पर जरूरी अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपका अकाउंट भी यूपीआई पे लिंक है आपका ऐप में तो आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर पाएंगे। और वहां पर आप जिससे चाहे अगर आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो जहां पर वहां से आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे आपको वहां पर क्रेडिट कार्ड को लिंक करना है, कैसे आप पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे, तो आप कमेंट कीजिए, आपको एक डिटेल में वीडियोस मिलेगा।